बीकानेर में 1.5 साल के पीयूष की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीकानेर के रघुनाथ सर कुएं के पास 1.5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चा घर के आगे खेलते हुए औंधे मुंह नाली में जा गिरा था। काफी देर तक घर वालों ने संभाला ही नहीं। जब उसकी याद आई तो आसपास पड़ोस में ढूंढने लगे, घर की कुंडी भी संभाली, लेकिन 3 साल की बहन ने बताया कि वो नाली में गिरा पड़ा है। उसे तुरंत PBM अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। मूल रूप से जनता प्याऊ के पास रहने वाले इस परिवार ने कुछ समय पहले ही रघुनाथ सर कुएं के पास घर किराए पर लिया था। पीयूष राम का 1.5 साल का बच्चा काफी चंचल था, तो पड़ोसी भी उसे खिलाने ले जाते थे। बुधवार रात करीब 8 बजे घर वालों ने देखा कि पीयूष नजर नहीं आ रहा है। उसे ढूंढते हुए पड़ोसियों के पास पहुंचे, लेकिन कहीं नहीं मिला। अनहोनी की आशंका में कुंडी भी देखी, लेकिन पीयूष वहां नहीं था। किसी का भी ध्यान घर के आगे उस नाली पर ही नहीं गया, जहां वो औंधे मुंह गिरा पड़ा था। पीयूष की 3 साल की बहन ने सबसे पहले उसे देखा है। उसी ने घर वालों को बताया कि वो वहां गिरा पड़ा है। इस पर परिजन उसे तुरंत PBM अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पीयूष का शव रात को मॉर्चरी में रखा गया है। पीयूष के परिचित पेंटर मनोज व्यास ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस कार्यवाही के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक पीयूष व्यास के पिता विजय शंकर व्यास की कोरोना में मौत हो गई थी। उसकी 2 और बहनें हैं। जनता प्याऊ का मकान छोड़कर इन लोगों ने रघुनाथ सर कुएं के पास एक मकान किराए पर ले लिया था। घटना के बाद से पीयूष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो उसका इकलौता बेटा था।